हम लोग फिर से केटली पे बैठे हुए हैं, हमारा यही काम है। केटली में बैठे हुए हैं चाय की छपरी पे, छपरी लोग सबसे तो हम लोग का चर्चा विद चाय हो रहा था, अभी हो चुका है तो सोचे कि अब घर चलते हैं, लेकिन घर जाने का इसका मन नहीं कर रहा, बहुत दिनों बाद ये निकली है। तो मैंने कहा चलो जहाँ चलना है, तो कहाँ जाने को प्लान कर रहे हो? कोई भी जो भी आसपास बीच हो वहाँ चले जाते हैं। बीच तो हम लोग चल रहे हैं बीच, बीच विद बीचेस, बीच विद बीचेस, आई एम नॉट अ बीच। तो चलो फिर निकलते हैं, तन्वी को फोन करो, अगर उसको आना होगा तो वो ज्वाइन कर लेगी हम लोग को रास्ते से। थैंक यू गर्ल, थैंक यू सो मच, बाय। अब हम लोग चलते हैं ये। अरे अंकल का मुंह ब्लर हो गया। हाँ वो अकॉर्डिंग टू धूप और छांव और बारिश वो घूमते रहते हैं, बारिश होगी तो सीधे हो जाएंगे जिससे बारिश ना आए ऊपर। चलो 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 जल्दी। कौन सा बस नंबर चेक करो, मैप्स में चेक करो बस नंबर, कौन सा बस नंबर पता चलेगा मुझे। गिरगांव चलना है या जुहू, कहीं भी चलिए मुझे तो बता ना कौन से बीच चलना है, ये तो कंफर्म कर। देखियो ना। ओके हम लोग कंफर्म करके बताते हैं, दो मिनट। मेरे फोन में इतनी ज्यादा जगह नहीं है कि मैं सारी वीडियो भर सकूं, लंबे लंबे वीडियो, मुझे लगता है दूसरा फोन लेना पड़ेगा। और मैं आईफोन लेना चाहती हूँ, प्लीज चंदा दे दो। गूगल पे का लिंक नीचे है, निम्मी गूगल पे का लिंक निम्मी के अनुसार आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा और तो यहाँ से डायरेक्ट कौन सी बस डायरेक्ट किसी भी बीच पे जाएगी? तुम फोन रखो, बाय। और भी किसी बीच पे जाने वाली कोई बस ही नहीं। अच्छा लग रहा है।
शंकर जी, आपका नाम क्या है? सॉरी, गौरी शंकर। गौरी शंकर जी की ये घोड़ी है चांदनी, जिसका नाम है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी घोड़ी है, आप अगर वर्सोवा बीच आएँ तो ज़रूर इनसे मिले। और ये बहुत ही कम दामों में घुड़सवारी करा देते हैं। आप फिर फोटो लीजिए, वीडियो लीजिए, घूमिए घोड़े पे, कुछ भी कीजिए, इट्स ऑल अप टू देम। एंड इनका स्वभाव बहुत अच्छा है, इनकी घोड़ी बहुत अच्छी है, देखिए कितनी प्यारी है, देखो। तो चलो बाय करो, बाय बाय बाय। अंकल हमको बस बैठ के फोटो खिंचाना है, उसको भी पैसा लोगे क्या? इतनी जोर से बारिश स्टार्ट हो गई है ना, हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, शेड के नीचे रुके हुए हैं। हाँ, 10-5 मिनट रुकना पड़ेगा, अदरवाइज पूरी तरीके से भीग जाएंगे। और अभी बस थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे मुझे मिलेगा थोड़ी दूर चलने के बाद में, तो थोड़ा रुकना पड़ेगा यहाँ पे। आई थिंक बारिश कम हो रही है, निकलते हाँ, निकल्स लेने से पहले कुछ खाएंगे उसके बाद निकलेंगे। ये है मुंबई का शिवपुरी, देखिए टेस्टी होता है, मैं बता नहीं सकती। अभी एक्सप्रेशन देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा।